sbi.com खोलकर पर्सनल बैंकिंग के न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये नया पॉपअप विंडो खुलेगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट नेक्स्ट कर देंगे। इसमें अकाउंट नंबर फिल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद CIF नंबर जो आपके पासबुक पर लिखा होगा, उसके बाद ब्रांच कोड जो आपके पासबुक में मिल जाएगा, ये 5 डिजिट्स का होता है, अगर उससे कम डिजिट्स हैं तो उतने ही जीरो शुरू में लग जाएंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो डालना है। उसके बाद फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या चाहिए, तो इसमें फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक कर सकते हैं या व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं सिर्फ, तो जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ कैप्चा जो दिया हुआ है पिन इमेज में, उसको फिल करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको OTP आएगा मोबाइल पर, उसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद इसमें ATM कार्ड है, अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो पहले वाले पे क्लिक करना है, और ब्रांच जाके करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पे। तो जैसे कि पहले वाले पे क्लिक कर दिया, हम घर बैठे इसका चालू कर सकते हैं, इसको सबमिट करना है। उसके बाद जो भी आपके एक्टिवेटेड कार्ड हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी, पहले वाले पे सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद इसमें एक्सपायरी डेट डालनी है, एक्सपायरी ईयर डालनी है, और कार्ड होल्डर का नाम डालना है। उसके बाद ATM का पिन लिखना है, और जो इमेज में डिजिट दी हुई हैं वो डालनी है। उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद नया पेज खुलेगा, उसमें यूज़र नेम क्रिएट करना है, और उसके बाद लॉगिन पासवर्ड डालना है, और उसके बाद पासवर्ड रिपीट करके उसको कंफर्म करना है। इसमें अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद पासवर्ड जनरेट करना है और उसको रिपीट करना है। पासवर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल तीनों चीज़ होनी चाहिए। उसमें वह आई एक्सेप्ट करना है, उसका सबमिट करना है। आपका ये सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया है। क्लोज करने के बाद उसको फिर से लॉगिन पे जाएंगे, अब पर्सनल बैंकिंग में कंटिन्यू टू लॉगिन। उसके बाद जो यूज़र ने बनाया था वो लिखना है, पासवर्ड जो बनाया था वो डालना है, और नीचे कैप्चा डालना है। उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इसमें SBI में दो पासवर्ड होते हैं, ये प्रोफाइल पासवर्ड जनरेट करना है आपको, और उसमें आप इसमें भी अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल तीनों चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसमें जनरेट करने के बाद फिर उसको कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड करना है, जैसे कि पहले किया था आपने। और इस प्रोफाइल पासवर्ड से आप कोई भी पासवर्ड जैसे चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोई भी उसकी राइट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस हिंट की वजह से आप उसको दोबारा से गेन कर सकते हैं। आंसर भी लिखना है उसका, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर देंगे। ये आपका जनरेट हो चुका है। वैसे तो अब देखिए इसमें आप ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, अकाउंट्स के डिटेल आ गए हैं, कितना पैसे हैं, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। इसको आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे के बाद ये एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको जल्दी स्टार्ट करने के लिए इसमें जाके ये का एक्सेस लेवल पे जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके इसमें ट्रांजेक्शन राइट्स को सेलेक्ट करके फुल, और उसके बाद OTP आएगा, OTP को डालना है, और उसके बाद इसको फिर से सबमिट कर देना है। अब आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है इंटरनेट बैंकिंग का। इसमें आप देखिए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन भी शो हो जाएंगे, इसमें देख सकते हैं आपके ऊपर डिटेल आ चुके हैं, ट्रांजेक्शन की लिस्ट भी आ चुकी है। और इसके बाद आप कोई भी प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं अपना, तो प्रोफाइल में जाके माई प्रोफाइल में जाना है, और माई प्रोफाइल में जाके उसमें प्रोफाइल पासवर्ड मांगेगा, उसको डाल के सबमिट करना है। और उसको सबमिट करने के बाद उसके पूरे डिटेल्स आ जाएंगे। इसमें आपका पैन नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी जैसी सारी बहुत सारी चीज़ें, आपका मोबाइल नंबर, ये सब लिखे होंगे। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू हो चुका है। थैंक यू।